बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं, मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं। बीजेपी के तीन बड़े नेता, तीन मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के बयानात, कांग्रेस को लेकर जिस तरह के बयानात आए हैं, नेहरू को लेकर जिस तरह के बयानात आए हैं, तो अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी में अब बगावत का बिगुल फूक गया है। 8 साल मोदी सरकार के सत्ता में रहने के बाद इस तरह के बयानात आना, वो भी तीन केंद्रीय मंत्री के जरिए लगातार इस तरह के बयानात आना कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, उसके साथ ही नेहरू की तारीफ करना, वो नेहरू की तारीफ करना जिसको लेकर के बार बार सवालात खड़े किए जाते हैं बीजेपी के जरिए, और हर चीज के लिए, विदेश नीति के लिए या और नीतियों के लिए, मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन आज उनकी तारीफ करना एक बड़े केंद्रीय मंत्री के जरिए कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है। और सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बहस शुरू हो गई है, क्या अब लोग मोदी से ऊब चुके हैं और मोदी के जरिए जो फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह की तानाशाही चल रही है, क्या उस तानाशाही के खिलाफ अब बीजेपी में बिगुल फूंक चुका है, देखिए रिपोर्ट। मगर चीन ने लद्दाख में कई ऐसी गतिविधियां की 1962 की, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिससे यह साफ हो गया था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं, मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं, मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है, नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। बीजेपी में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बीजेपी के बड़े नेता, जिनमें से दो मंत्री बताए जा रहे हैं केंद्रीय हैं और एक बड़ा नेता है, उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं पिछले एक दो दिन के दरमियान, तो एक बार सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मोदी की लीडरशिप के ऊपर से अब लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जिस तरह की हरकतें मोदी के जरिए लगातार की जा रही हैं, तो क्या अब बगावत का बिगुल बजना शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर के सवालात खड़े हो रहे हैं। मैं आपको तीनों नेताओं के बारे में एक के बाद एक बताऊंगा। और सबसे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और नेहरू को लेकर जो बयान दिया है वो गौर करने वाला है। करगिल दिवस था कल, इस मौके पर राजनाथ सिंह जम्मू में थे। ये कार्यक्रम था उन भारतीय जाबाजों की वीरता, शहादत और साहस को नमन करने का। उन्होंने असंभव को संभव कर दिया था, मगर इस कार्यक्रम में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया उस पर बहस छिड़ गई है। भाजपा का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, भाजपा इस मिशन में काफी आगे भी बढ़ती जा रही है, मगर उसी कांग्रेस के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दिल भी पसीज रहा है। अब यहां पर लोग असमंजस में पड़े हुए हैं, एक ओर बीजेपी कांग्रेस और नेहरू की नीतियों की आलोचना करती है तो दूसरी ओर बड़े मंत्रियों के ऐसे बयान क्यों, ये सवाल खड़ा करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे राजनाथ सिंह ने 1962 में चीन की कार्रवाई का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत सारे लोग जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं, मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं, मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता, साथ ही मैं किसी भी प्रधानमंत्री की नियत पर सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। उन्होंने कहा कि नियत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। सिंह ने कहा है कि आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। भारत के तमाम नेता अक्सर किसी न किसी मसले को लेकर कांग्रेस और उनके नेताओं पर दोष मढ़ते हैं, चाहे गरीबी हो, चाहे विकास हो, या फिर चीन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला, चीन के साथ सीमा विवाद का कारण भी 1962 का युद्ध बताया जाता है और उस वक्त देश के पीएम जवाहरलाल नेहरू ही थे। इस युद्ध से ठीक पहले चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा होती है और फिर दोनों नेता भारत चीन ने गर्मजोशी से मुलाकात की। इस दौरान हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया और फिर भारत के पीठ पर वार करके हमारे इलाकों पर चीन का कब्जा हो गया था। ये तो रही इतिहास की पुरानी बात, मगर आज
राजनाथ सिंह ने कहा कि इसके लिए वे नेहरू को दोषी नहीं मानते। कुछ ही दिनों पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था एक कार्यक्रम में। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, लगातार चुनावों में हारने वाली कांग्रेस फिर मजबूत बने और पार्टी के नेता निराश होकर पार्टी ना छोड़ें, यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी इच्छा है। कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, इसलिए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी की जगह लेने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां आगे आ रही हैं, देश के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है। उन्होंने कहा जिनका कांग्रेस की विचारधाराओं में विश्वास है उनका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, उन्हें पार्टी के साथ पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए, हार से हताश होने के बजाय काम करते रहें, हार है आज तभी कल हो सकती है जीत। इस दरमियान उन्होंने बीजेपी का वो दौर याद किया जब संसद में सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं की मेहनत से समय बदला और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में हमें अपना प्रधानमंत्री मिला, इसलिए ऐसी हालत में निराश होकर विचारधारा ना छोड़ें। गडकरी की गिनती सॉफ्ट नेताओं के तौर पर होती है, हर पार्टी के लोग उनकी इज्जत करते हैं और उनके कामों को भी सराहा जाता है। प्रश्न है राजकारण या शब्दाचा, आता खऱ्या अर्थाने या शब्दाचा अर्थ समजून घेण्याची आवश्यकता आहे। राजकारण हे समाजकारण आहे, राष्ट्रकारण आहे, विकासकारण आहे की सत्ताकारण आहे? जुन्या काळामध्ये महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेने कार्य झालं ते पॉलिटिक्स होतं, पण ते राष्ट्रकारण, समाजकारण, विकासकारण होतं, आणि आता जे आपण बघतो ते केवळ 100% सत्ताकारण बघतो। त्यामुळे पॉलिटिक्स इज ए ट्रू इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशो इकॉनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचं राजकारण हे प्रभावी अंग आहे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पूछा गया कि आपके फेवरेट नेता कौन हैं, तो उन्होंने बिना सोचे नितिन गडकरी का नाम लिया था। इसके अलावा ओवैसी, अजित पवार, अशोक गहलोत सहित तमाम नेता उनके फैन हैं। गडकरी के बयान की विपक्षियों ने खूब तारीफ की थी, मगर बीजेपी की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई। अब राजनाथ सिंह ने उसी से मिलता जुलता बयान दिया है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि गडकरी ने कल ही एक और बयान दिया है कि वो अब राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं, कई बार उनका दिल करता है कि मैं पार्टी छोड़ दूं। तो देखा आपने, दो बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। उसके साथ ही मोदी सरकार के एक और मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। पुरी ने बीजेपी, कांग्रेस और मोदी सरकार को लेकर बयान दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस पूरी तरह से गायब हो जाए, क्योंकि विपक्ष की जरूरत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने यह भी कहा कि अगर हमारे पास विपक्ष है तो ये विपक्ष को तय करना है कि उसका नेतृत्व राहुल, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या शरद पवार किसके द्वारा किया जाना चाहिए। मोदी सरकार के तीन बड़े मंत्री कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो नेता ही जान सकते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि अचानक कांग्रेस मुक्त भारत से कांग्रेस युक्त भारत की बात कैसे होने लगी। खैर, ये सियासत है जनाब। तो देखा आपने किस तरह से तीन मंत्री इस पूरे मामले पर उतर आए हैं और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर आज सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी में अब बगावत शुरू हो गई है। कांग्रेस को बढ़ाने की बात, विपक्ष मजबूत की बात करना, जवाहरलाल नेहरू की तारीफ किया जाना, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कुछ ना बोलना, उन जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कुछ ना बोलना जिसको लेकर अक्सर बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान आते रहते हैं। सोशल मीडिया पर हर चीज़ के लिए नेहरू को और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाता है, नेहरू को विदेश नीति को लेकर के जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसे में देश के मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, और इसको लेकर जिस तरह से चहमगोइयाँ हो रही हैं वो होना वाजिब भी है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।